हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सल्फोनेशन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है। कल हमने पढ़ा था नाइट्रेशन के बारे में, पढ़ा था कि कैसे हमने कोई भी हमारे पास एरोमेटिक रिंग थी उसके अंदर हमने क्या किया था, नाइट्रो ग्रुप को क्या करवाया था, ऐड करवाया था। आज का हमारा टॉपिक है कि कोई भी हमारे पास बेंजीन की रिंग है उसके अंदर हम H2SO4 को ऐड करवा के मतलब सल्फोनेशन करवाएंगे बेंजीन रिंग के अंदर, और बेंजीन रिंग में हमें कुछ ऐसा फॉर्म होगा मतलब बेंजीन के साथ SO3H लग जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो मतलब सल्फोनेशन कैसे होगा कि हमारे पास कोई भी बेंजीन की रिंग होगी, जब हम बेंजीन की रिंग के अंदर H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे सल्फोनेशन में क्या लग जाएगा, सल्फेट लग जाएगा, SO3 हाइड्रोजन लग जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होता है सल्फोनेशन हुआ है बेंजीन का, जिसको हम क्या बोलेंगे, सल्फोनेशन है। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक सल्फोनेशन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहले हम जनरेट करेंगे, जैसे कि हमने नाइट्रेशन के अंदर भी देखा था कि हमने कैसे मतलब सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिल को जनरेट करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोफिल को बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करवाते हैं और फिर उसमें रिटेन करवाते हैं उसकी एरोमेटिसिटी को, और वहाँ से हम हाइड्रोजन जो प्रोटोन है उसको बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले है कि जब हम सल्फोनेशन रिएक्शन करवाएंगे तो उससे पहले आता है कि हम इलेक्ट्रोफिल को जनरेट करेंगे। इलेक्ट्रोफिल कैसे जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफिल जो होता है वो जनरेट होगा ऑटो आयोनाइजेशन से। ठीक है, मतलब H2SO4 प्लस में H2SO4 की जब एक दूसरे के साथ क्या होगी, रिएक्शन होगी, मतलब H2SO4 और H2SO4 की एक दूसरे के साथ रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा SO3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिल मिल जाएगा और हाइड्रोनियम आयन मिल जाएगा और प्लस में HSO4 नेगेटिव मिल जाएगा। मतलब सल्फोनेशन जब हम करवाते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रोफिल को कैसे जनरेट करवाएंगे, उसमें हम इलेक्ट्रोफिल को जनरेट करते हैं कि H2SO4 का और प्लस में H2SO4 का हम यहाँ पे इन दोनों को क्या करवा देंगे, ऑटो आयोनाइजेशन करवा देंगे। मतलब हम इन दोनों की सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन जब होती है तो उसको ऑटो आयनाइजेशन, जब हम H2SO4 की और H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें SO3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिल, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिल होगा हमारा, ये हाइड्रोनियम आयन और ये हमारे पास क्या होता है, HSO4 नेगेटिव होता है, जिसका हम यूज सबसे लास्ट वाली रिएक्शन के अंदर करेंगे, वहां से ये क्या करेगा, एक निकाल ले जाएगा। तो इसमें हम रिएक्शन को करके देखते हैं कैसे होती है। जैसे कि हाइड्रोजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन ये लगा और यहाँ पे OH कंपाउंड हो गया, SO3 हो गया। ठीक, प्लस में सेम ऐसे ही हाइड्रोजन OH कंपाउंड हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, SO3 हो गया। तो यहाँ से ये क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके साथ डोनेट करेगा और इस हाइड्रोजन को अपने पास बुला लेगा और ये अपने बॉन्ड को वापस ब्रेक कर लेगा, जिससे स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये मतलब यहाँ से वापस कर लेगा तो यहाँ पे बनेगा SO3 पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस में हाइड्रोनियम, यहाँ पे जब OH और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन हो जाएगा जिससे हाइड्रोनियम आयन बनेगा, प्लस में HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है। अब हम दूसरा स्टेप क्या करवाते हैं, जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिल है, ठीक है, इसको हम अटैक करवाएंगे हमारी हमारी जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर, हम क्या करवाएंगे, इस SO3 को यहाँ पे अटैक करवाएंगे। तो कैसे अटैक करवाएंगे वो देखिए, हमें पता है बेंजीन में ऐसे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जब ये SO3 इसके ऊपर अटैक करेगा, जब ये SO3 इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे कैसी स्ट्रक्चर बनेगी वो देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ये बॉन्ड तो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और जो ये SO3 है जो पॉजिटिव है, ये बॉन्ड यहाँ पे आके मतलब यहाँ पे आके तो हमारी कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे SO3 क्या बन गया है, SO3 बन चुका है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये
ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, मीन्स अब ये अपने आप में रेजोनेंस इंटरमेडिकेट की फॉर्मेशन करेंगे। तो रेजोनेंस इंटरमेडिकेट की फॉर्मेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा रेजोनेंस आएगा कि जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा SO3 बन जाएगा। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, रेजोनेंस इंटरमेडिकेट की फॉर्मेशन हो जाती है, रेजोनेंस इंटरमेडिकेट बनता है। अब इन सभी का मतलब हमने देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग के ऊपर क्या हुआ है, फिरा है, मतलब पूरी रिंग के ऊपर पाया गया है। एक बार तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है। तो हमने इसमें क्या देखा है कि इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा, जिसमें हम इसकी पूरी रिंग को नहीं दिखा, हाफ रिंग इसकी होगी, रिंग के बीच में पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पे HSH होगा, यहाँ पे SO3 लग जाएगा। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट हमारे पास होता है कि अब हम वापस से यहाँ पे क्या करेंगे, हमने हमें जो मिला था, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये SO3 है, ये पॉजिटिव चार्ज ये है। ठीक है, इसमें क्या करना है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, मतलब हमें अपने इस H पॉजिटिव को बाहर निकालना है। ये बॉन्ड वापस से कहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और हमने अपने जब इलेक्ट्रोफिल को जनरेट किया था तो वहाँ पे हमारे मैकेनिज्म में क्या था, देखो जब हमने इलेक्ट्रोफिल को जनरेट किया था तो ये जो नेगेटिव फॉर्म है, जो मतलब जब भी हम इलेक्ट्रोफिल को जनरेट करते हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जनरेट होता है। ठीक है, जो नेगेटिव जनरेट होता है उसका हम यूज करते हैं प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए। तो इसी रिएक्शन में हम क्या करेंगे, HSO4 नेगेटिव को लेंगे, ये नेगेटिव है, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसको, मतलब इस हाइड्रोजन को बिना कुछ दिए बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा, तो जब ये यहाँ से बाहर आएगा तो इसने अपना एक बॉन्ड इस रिंग को डोनेट किया, जिसके कारण क्या होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस HSO4 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत सारे अपोजिट चार्ज एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और जिससे क्या बन जाएगा, SO3, मतलब सल्फोनेशन हो चुका है बेंजीन का, और प्लस में H2SO4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी होगी। पर हमने क्या देखा था कि हमारे, मतलब जब हमने इलेक्ट्रोफिल को जनरेट किया तो इसका भी हमने इलेक्ट्रोफिल की फॉर्म में यूज़ किया, हमने इसका भी यूज़ किया, इसका भी यूज़ किया। अब बच गया है हमारा हाइड्रोनियम आयन, इसका हम यूज़ कैसे करते हैं वो देखिए। जब हम इसके अंदर H3O को इसके अंदर डालते हैं, मतलब हाइड्रोनियम आयन को जब सल्फेट बेंजीन के अंदर डालेंगे तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से बनेगी, क्या बनेगी रिएक्शन वो देखिए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, सॉरी SO3 एक हाइड्रोजन लग जाएगा, और प्लस में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन कैसे हुई वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, डायरेक्ट जब हम हाइड्रोनियम आयन को इस सल्फेट बेंजीन के अंदर ऐड करवाएंगे तो SO3H और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और ये जो रिएक्शन होती है, मतलब पहले स्टेप वाली जो रिएक्शन होती है वो आपकी ये होगी। ठीक है, दूसरे स्टेप वाली जो रिएक्शन होती है वो आपकी ये होगी। ये वाली जो सेकंड स्टेप वाली रिएक्शन होती है ये किस पे होती है, एट हाई टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन होती है। हाई टेम्परेचर के ऊपर आप इसको कैसे करोगी वो देखिए। जब आप इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर के ऊपर करोगे ना तो इसमें क्या होगा कि जब आप इसके अंदर प्रोटोनेशन, मतलब एच पॉजिटिव को जब इसमें ऐड करवाओगे तो बेंजीन रिंग, सिर्फ अकेली बेंजीन बच जाएगी, और H2SO4 जो है अपने बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। तो वो कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म में क्या होता है देखो, कुछ इस प्रकार से होगा, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है जिसके साथ SO3 और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। जब हम इसके अंदर पहले एक H पॉजिटिव प्रोटॉन को ऐड करवाएंगे ना तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जाके इसके बॉन्ड पे लग जाएगा। सेम वैसे ही ये रेजोनेंस को शो करेगा, जिससे एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगी। उस स्टेप के बाद क्या होगा कि यहाँ पे अब, मतलब इस H3O को जब हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, H2O और प्लस में H पॉजिटिव टूटेगा। तो पहले हम क्या करवाएंगे, प्रोटोनेशन को, मतलब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसको इस बेंजीन रिंग के ऊपर जैसे ही अटैक करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो चुका होगा। कैसे
रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस के जरिए ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जिससे ये रेजोनेंस शो करेगा और ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास एच पॉजिटिव मतलब डोनेट करने के बाद वाटर मोलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनेगी, ओ और एच पॉजिटिव मतलब ओ और दो हाइड्रोजन्स के मोलिक्यूल होंगे। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस सल्फर के साथ क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये सल्फर क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग के बॉन्ड को इसको वापस डोनेट कर देगा। करने के बाद क्या होगा कि इस सल्फर के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे, जिससे बेंजीन जो है वो वापस अपनी पोजीशन मतलब बेंजीन ही बच जाएगा, और प्लस में ये बॉन्ड टूटने के बाद इतना जो है बाहर निकल जाएगा, जिससे क्या बनेगा आपका SO3 SO4 बन जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ऑक्सीजन है ना, SO4 और H3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कितने आपके S मतलब सल्फर हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए और 3 आपके पास क्या हो गए, हाइड्रोजन्स के मोलिक्यूल हो गए। अब आप इसके अंदर क्या करवाओगे कि वाटर मोलिक्यूल को ऐड करवाओगे। जैसे ही आप इसके अंदर वाटर मोलिक्यूल को ऐड करवाओगे ना, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से टूटेगी। H2SO4 के अंदर H2SO4 के अंदर आपकी स्ट्रक्चर टूट जाएगी और प्लस में एक हाइड्रोनियम आयन की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा, तो इसका क्या होगा कि यहाँ पे H3 ऑक्सीजन के साथ, मान लो कि ये H3 ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा और इसमें इस H3 के साथ ऑक्सीजन चला जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल इस HSO4 के इस SO4 के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी H2SO4 और प्लस में हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर बनेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस स्टेप में हमने क्या करवाया है, सल्फोनेशन करवाया है एरोमेटिक के अंदर भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए। तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे कि हमारे पास कोई भी बेंजीन की रिंग है, बेंजीन रिंग के अंदर जब हम H2SO4 के साथ बेंजीन रिंग की रिएक्शन मतलब बेंजीन सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल जाएगा। मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा है कि जब हम जर्नेट करेंगे इलेक्ट्रोफिल को, ठीक है, मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिल को जर्नेट करेंगे। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफिल कैसे जर्नेट होगा, H2SO4 दोनों को हम ऑटो आयनाइजेशन करवा देंगे। ऑटो आयनाइजेशन का मतलब है कि दो सेम मॉलिक्यूल की एक दूसरे के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रोफिल जर्नेट होगा और एक H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन जर्नेट होगा और एक HSO4 नेगेटिव जर्नेट होगा। इसका काम होता है लास्ट में आके मतलब रिंग में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल के लेके जाना। अब अटैक करवाएंगे इलेक्ट्रोफिल को बेंजीन रिंग के ऊपर। जब इलेक्ट्रोफिल का अटैक हम बेंजीन रिंग के ऊपर करवाएंगे, तो यहाँ पे ये अपने ऊपर रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो करेगा, जिससे रेजोनेंस इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी और एक रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। बाद में लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि रिमूवल होगा प्रोटोन का। प्रोटोन का रिमूवल किसकी प्रेजेंस में होता है, HSO4 नेगेटिव की प्रेजेंस में होगा, जिससे ये बॉन्ड अपना वापस से रिंग में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन जो है इस HSO4 नेगेटिव के साथ बाहर निकलेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बाहर निकल जाएंगे HSO4 नेगेटिव की फॉर्म में। पहला स्टेप मैकेनिज्म इतना होता है। दूसरा स्टेप मैकेनिज्म क्या होता है कि जब आप इस सल्फेट बेंजीन के साथ हाइड्रोनियम आयन को इसके अंदर डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन की रिंग होगी और बेंजीन रिंग के ऊपर SO3 हाइड्रोजन लग जाएगा, जो हमने सल्फोनेशन में पढ़ा था, ठीक है, ऊपर वाली सल्फोनेशन वाली रिएक्शन में यही पढ़ा था ना, मतलब ये वाला स्टेप। तो जब हम इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन को डालेंगे तो हमारी वही रिएक्शन रिटेन हो जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। थैंक यू।